जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि केस क्या रहा है। एक वुमेन है जो कि विधवा है और उनकी एज 47 साल है। वह अपनी 4 साल की भांजी को गोद लेना चाहती हैं, लेकिन लोअर कोर्ट ने इस वुमेन की पिटीशन को खारिज कर दिया। खारिज क्यों कर दिया, इस आधार को सुनिए। लोअर कोर्ट ने कहा कि महिला कामकाजी होने के साथ साथ तलाकशुदा भी है, इसलिए वह बच्ची पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दे पाएगी और बच्ची का उसके जैविक माता पिता के साथ रहना ज़्यादा उपयुक्त है। मतलब ये है कि वुमेन जो कि टीचर हैं, कामकाजी हैं, काम करती हैं, तलाकशुदा भी हैं, यह देखते हुए लोअर कोर्ट ने कहा कि आप बच्ची को गोद नहीं ले सकती हैं क्योंकि आपके पास तो टाइम ही नहीं बचेगा, आप बच्ची का ख्याल ही नहीं रख पाएंगी। इस वजह से बच्ची को गोद नहीं दिया जा सकता है और जो बच्ची के जन्मदाता हैं, माता पिता हैं, बच्ची उनके साथ ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पर वुमेन को लोअर कोर्ट के इस फैसले से नाराज़गी होती है और वो चैलेंज करती है हाई कोर्ट में। जब यह केस बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुँचता है तो वहाँ पर एक एकल पीठ तैयार होता है और वह पीठ कुछ कमेंट करती है इस केस में। कोर्ट ने कहा कि तलाकशुदा महिला को इस आधार पर बच्चा गोद लेने की अनुमति ना देना कि वह कामकाजी होने के वजह से बच्चे पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दे पाएगी, ये कहीं ना कहीं मध्यकालीन रूढ़िवादी मानसिकता को दर्शाता है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सिंगल पेरेंट कामकाजी होने के लिए बाध्य हैं, किसी भी सिंगल पेरेंट को इस आधार पर बच्चों को गोद लेने के लिए अनुपयुक्त नहीं माना जा सकता कि वह कामकाजी है। कोर्ट का यह कमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई सिंगल पेरेंट है तो वो बच्चे का ख्याल नहीं रख सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान में ऐसे कई सारे पेरेंट्स हैं जो सिंगल पेरेंट्स बनकर के अपने बच्चे का भी ख्याल रखते हैं और उसके साथ ही अपना घर भी बहुत ही अच्छे से चलाते हैं। अब इसके साथ ही यह भी जानते हैं कि दत्तक ग्रहण कौन कर सकता है, मतलब कि कौन बच्चे को गोद ले सकता है। प्रेजेंट में हमारे यहाँ हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के लॉ को फॉलो किया जाता है और इस लॉ के अकॉर्डिंग सेक्शन 7 के तहत कोई भी मेल और सेक्शन 8 के तहत कोई भी फीमेल बच्चा गोद ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ स्थितियां बताई गई हैं। इसके अलावा और भी कई अलग अलग नियम हैं, लेकिन यहां पर हम कुछ नियमों को जानते हैं। सेक्शन 8 में ये बताया गया है कि कोई भी फीमेल बच्चा गोद ले सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ आवश्यक बातें हैं जो फॉलो होनी चाहिए। जो फीमेल सेक्शन 8 के तहत बच्चा अडॉप्ट कर रही है उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, वो अडल्ट होनी चाहिए, वो मैरिड नहीं होनी चाहिए, मतलब कि शादीशुदा नहीं होनी चाहिए। अगर शादीशुदा है तो उसकी शादी टूट चुकी हो, मतलब कि तलाक हो चुका हो, या फिर जो हस्बैंड है वो मर गया हो, या इसके अलावा जो हस्बैंड है उसने संसार को त्याग दिया हो, मतलब कि संन्यास ग्रहण कर लिया हो, या फिर जो हस्बैंड है उसने हिंदू धर्म को त्याग दिया हो, या फिर हस्बैंड को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पागल घोषित कर दिया गया है, तो भी कोई महिला बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, कोई भी ऐसी वुमेन जो शादीशुदा है, मतलब उसकी मैरिज हो चुकी है और वो अपने पति के साथ रह रही है हंसी खुशी के साथ, लेकिन उसका कोई बच्चा नहीं है, तो यहाँ पर जो वुमेन है पत्नी के रूप में है वो बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकती है। यहाँ पर इसके लिए भी कुछ नियम हैं, ऐसा क्यों है ये डिटेल में जानने के लायक है, लेकिन आज के लिए केवल इतना ही।